हेलो नमस्कार आदाब, मैं सुधीर शुक्ला आपके अपने चैनल ओनली फॉर यू पे आपका स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, सरकार भी उसका पालन कर रहे होंगे। तो जो हमारी ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है इसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और ज्योग्राफी में जो हम देख रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी के सेक्शन देख रहे हैं, उसमें हम वो टॉपिक देख रहे हैं जो आपके इन्वायरमेंट से डील करते हैं। तो हमारा ये पार्ट थ्री है। तो पहले दो पार्ट में हमने बायोस्फीयर रिजर्व की परिभाषा देखी और इतना इंडिया में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं। तो आज हम लोग जो देखेंगे यूनेस्को का मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है, इसको मैप प्रोग्राम भी बोलते हैं। ये कब शुरू किया गया, यूनेस्को ने कब शुरू किया, ये क्या है, और इंडिया के कितने बायोस्फीयर रिजर्व मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में आते हैं। तो मैप प्रोग्राम पर हमारा इस वो है, और भारत के कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं वो हम देखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो हम देखेंगे, पहले हम देखेंगे कि ये है क्या। तो पहले यूनेस्को का विश्व नेटवर्क है, किसका है विश्व नेटवर्क, मान्यता प्राप्त स्थल है, भारतीय स्थल की बात हो रही है यहाँ पे। क्या है यूनेस्को का मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम। तो किस तरह जो पर्यावरण और मानव के बीच में अंतःक्रिया है उसके बीच में इसका कार्यक्रम है, और इसको यूनेस्को ने लॉन्च किया था 1971 में। यूनेस्को के बारे में हम लोग आगे देख लेंगे, यूनेस्को क्या है और कब इस्टेब्लिश हुआ, कहाँ इसका हेडक्वार्टर है। तो ये क्या है पहले देख लेते हैं। यह एक जो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है, ये क्या है। तो ये एक अंतर सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य मनुष्यों और उनके वातावरण के मध्य संबंधों में सुधार हेतु एक वैज्ञानिक आधार स्थापित करना है, तथा प्राकृतिक क्षेत्रों में विकास और संरक्षण के बीच, ठीक है, विकास और संरक्षण के बीच संघर्ष को कम करना है। मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञान, अर्थशास्त्र और शिक्षा को मानव आजीविका और लाभों के समान बंटवारे में सुधार करने हेतु प्राकृतिक और प्रबंधित पारिस्थितिक तंत्र की सुरक्षा के साथ जोड़ता है। इस प्रकार यह कार्यक्रम पर्यावरणीय रूप में सम्मानीय, यानी कि सतत विकास से संबंधित है, सस्टेनेबल गोल, सम्मानीय तथा सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त आर्थिक विकास के लिए अभिनव दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है। इसके माध्यम से संरक्षित क्षेत्र जो रिजर्व एरिया है कि वनस्पतियों जीवों को संरक्षण दिया जाता है, साथ ही इन क्षेत्रों में निवास करने वाले मानव समुदायों और उनके जीवन पद्धतियों के को भी संरक्षित किया जाता है। मतलब कि जो मानव जो अंतःक्रिया करता है पर्यावरण के साथ उसके संदर्भ में है ये, कि नेचुरल हैबिटेट जो है उससे संबंधित है। तो यूनेस्को का जो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है तो हमने देख लिया, पहले 1971 में शुरू किया गया था। और भारत के जो 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, उसमें से जो 12 बायोस्फीयर रिजर्व हैं वो यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में शामिल हैं। तो हम बात करते हैं, पहला जो बायोस्फीयर रिजर्व हमारा, ये पहला बायोस्फीयर रिजर्व भी था वैसे भी, तो नीलगिरी, और इसका जो एरिया है केरल कर्नाटक तमिलनाडु में, और ये 2000 में इसमें शामिल किया गया। दूसरा है मन्नार की खाड़ी, इसका जो तमिलनाडु में है 2001 में इसमें शामिल किया गया। तीसरा है सुंदरबन पश्चिम बंगाल में 2001 में शामिल किया गया। चौथा है नंदा देवी, ये उत्तराखंड में स्थित है, 2004 में शामिल किया गया। पांचवा है नोकरेक, ये मेघालय में स्थित है और 2009 में शामिल किया गया। छठा है पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में, 2009 में शामिल किया गया। सातवां है सिमलीपाल उड़ीसा, ये 2009 में शामिल किया गया। आठवां है अमरकंटक अचानकमार, ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर है, 2012 में शामिल किया गया। नौवां है ग्रेट निकोबार, ये अंडमान में है, 2013 में शामिल किया गया। और जो हमारा 10th है अगस्त मलाई, ये तमिलनाडु में है, 2016 में शामिल किया गया। कंचनजंगा ये सिक्किम में से 2018 में शामिल किया गया। और सबसे लास्ट में जो अभी लेटेस्ट शामिल किया गया है पन्ना नेशनल पार्क, ये मध्य प्रदेश में है और ये पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व भी है, और ये 2020 में शामिल किया। हमारे यहाँ 12वां मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में शामिल होने वाला स्थल है, और सबसे लास्ट का स्थल भी उसमें भी है, ये बायोस्फीयर रिजर्व में जो शामिल हुआ है। अब हम इनकी लोकेशन देख लेते हैं। इनकी लोकेशन हम क्रमागत रूप में नहीं देखेंगे, हम देखेंगे जो इनका जो ऑर्डर है उत्तर से लेकर दक्षिण में, इस तरह हम देखेंगे। तो पहला है नंदा देवी, जो हमारा मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल है, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। दूसरा है कंचनजंगा। तीसरा है पन्ना, जो भी लेटेस्ट शामिल हुआ है। चौथा है पंचमढ़ी। पंचमढ़ी पांचवा है नीलगिरी,
और छठा है अगस्त मलाई, सातवां है मन्नार की खाड़ी, आठवां है ग्रेट टिकोबार, ये दसवें दशरथम है, नवा है अमरकंटक, दसवां है सिमलीपाल, और ग्यारहवां है सुंदरबन, और बारहवां है नोकरेक। तो हम लोग रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि सच्चा ज्ञान वही होता है जो हमारा एग्जामिनेशन हॉल में काम आता है। तो वो हम लोग देख लेते हैं। तो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। तो हम इनकी देखते हैं कि यूनेस्को का जो मैन एम्बेसडर प्रोग्राम है ये कब शुरू किया गया था। ये 1971 में शुरू किया गया था। और ये इसमें क्या ये क्या होता है, यह है एक अंतर सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य मनुष्यों और उनके वातावरण के मध्य संबंधों में सुधार हेतु एक वैज्ञानिक आधार स्थापित करना है तथा प्राकृतिक क्षेत्रों में विकास और संरक्षण के बीच संघर्ष को कम करना है। मैन एंड बायोसफीयर प्रोग्राम प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञान अर्थशास्त्र और शिक्षा को मानव आजीविका और लाभों के समान बंटवारे में सुधार करने तथा प्राकृतिक और प्रबंधित पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा के साथ जोड़ता है। इस प्रकार यह कार्यक्रम पर्यावरणीय रूप से सहनीय, सामाजिक सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त, आर्थिक विकास के लिए अभिनव दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है कि दोनों किस तरह साथ साथ चल सकते हैं। इसके माध्यम से संरक्षित क्षेत्र की वनस्पतियों और जीवों को संरक्षण दिया जाता है तथा साथ ही इन क्षेत्रों में निवास करने वाले मानव समुदायों उनकी जीवन पद्धतियों को भी संरक्षित किया जाता है कि किस तरह हम नेचुरल हैबिटेट को बचाएं और वो जो नेचुरल हैबिटेट है उनको बचाएं। तो इसमें जो भारत की पहला नीलगिरी है ये केरल कर्नाटक तमिलनाडु में है, ये सन 2000 में शामिल किया गया। दूसरा है मन्नार की खाड़ी, ये तमिलनाडु में स्थित है, 2001 में शामिल किया गया। तीसरा है सुंदरबन पश्चिम बंगाल में, 2001 में शामिल किया गया। चौथा है नंदा देवी उत्तराखंड में, 2004 में शामिल किया गया। पांचवा है नोकरेक, ये मेघालय में, 2009 में शामिल किया गया। और छठा है हमारा ये पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में, 2009 में शामिल किया गया। सातवां है सिमलीपाल उड़ीसा, 2009 में शामिल किया गया। आठवां है अचानक मार अमरकंटक मध्य प्रदेश, 2012 में शामिल किया गया। नौवां है ग्रेट निकोबार अंडमान, 2013 में शामिल किया गया। दसवां है अगस्त मलाई तमिलनाडु, 2016 में शामिल किया गया। ग्यारहवां है कंचनजंगा सिक्किम, 2018 में शामिल किया गया। बारहवां है पन्ना नेशनल बायोसिक्योरिटी मध्य प्रदेश में, 2020 सबसे लास्ट में शामिल किया गया। अब इनकी हम लोकेशन देख लेते हैं। लोकेशन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो नंदा देवी, फिर दूसरा है कंचनजंगा, तीसरा है पन्ना, चौथा है पंचमढ़ी और पांचवा है नीलगिरी जो पहला भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व भी था। छठा है अगस्त मलाई, सातवां है मन्नार की खाड़ी, आठवां है ग्रेट निकोबार, नवा है अमरकंटक अचानक मार, दसवां है सिमलीपाल, ग्यारहवां है सुंदरबन, बारहवां है नोकरेक। और एक चीज़ हम देखते हैं, अभी हमने एक चीज़ मैंने आपसे कहा है कि यूनेस्को को बता रहे बता दूँ, यूनेस्को के बारे में बताना है मुझे, यूनेस्को क्या है, कब इस्टेब्लिश हुआ है। तो यूनेस्को के बारे में देख लेते हैं हम कि यूनेस्को कब इस्टेब्लिश हुआ। तो यूनेस्को जो है, यूनेस्को की जो फुल फॉर्म है UNESCO, तो यूनेस्को है तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो यूनेस्को जो इस्टेब्लिश हुआ था, यूनेस्को इस्टेब्लिश हुआ है 1945 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो भी महत्वपूर्ण है आपके लिए। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है पेरिस फ्रांस में। कहाँ पे? पेरिस में। ये चीज़ याद रखना है। कितने मेंबर हैं? मेंबर इसके 199 देश हैं, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। तो यूनेस्को फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1945 में। हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। 199 मेंबर हैं। इसी के द्वारा क्या है, मैन एंड वाइस प्रोग्राम चलाया जाता है। तो आप लोग इसी तरह पढ़ें, बढ़ें, समझें। और जो अभी एग्ज़ाम परीक्षाएं चल रही हैं, रेलवे की परीक्षाएं चल रही हैं, आगे NDA की परीक्षा आने वाली है, इन सबको आत्मसात करें और क्लियर करें और बढ़ें आप लोग। तो आगे फिर हम लोग ज्योग्राफी का वीडियो कंटिन्यू करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को बढ़िया मज़ा आया होगा। जो मैंने वायसपुर प्रोग्राम की सीरीज चल रही है इसको आप लोग पढ़ें, समझें और आत्मसात करें। और इसी मंगल कामना के साथ चलता हूँ।
कि हमारा आने वाला कल आज से बेहतर हो और सरकारी नियमों का पालन करें। धन्यवाद।